एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम पे आरजे प्रतीक। पाने की बात की जाए तो 3 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन गोल्फ में रह चुके अर्जुन भाटी मेरे साथ हैं। खोने की बात की जाए तो इन्होंने खोई है 102 ट्रॉफियां। हाँ जी, बात की जाए तो सोशल कॉज के लिए अर्जुन भाटी ने अपनी 102 ट्रॉफीज दे दी और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए फंड जमा किया। मेरे साथ जुड़े हैं अर्जुन भाटी। हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन भाटी एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो सिटी। तो कब ये थॉट आया और घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो मतलब मैं तो मतलब हैप्पी फील कर रहा था कि मुझे सौभाग्य मिला था अपने देश के लिए कुछ करने का। लेकिन जब मैंने डिसीजन अपनी फैमिली को बताया तो वो तो मतलब थोड़े अचंभित हो गई कि ये डिसीजन कैसे ले सकता है। और मेरी दादी तो इस डिसीजन को सुनने के बाद रोने लग गई कि मतलब उन्होंने मेरे से फिर ये बोला कि तुम अर्जुन सच में रियल लाइफ के अर्जुन हो। ओके, तो कैसे आपको खरीदार मिले ट्रॉफीज के, किसको आपने दी? तो मैंने सबसे पहले तो मेरे डैड ने एक लिस्ट बनाई जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उनको की सिलेक्टिव पीपल जो अपने मतलब इसकी अच्छे से टेक केयर भी करेंगे और वो हमें अमाउंट भी दे देंगे। तो मतलब करीबन 102 ट्रॉफीज, मतलब कुछ लोगों को 2 ट्रॉफीज दी और कुछ लोगों को 1 ट्रॉफी। तो मेरी सबसे जो महंगी ट्रॉफी थी वो थी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, और हमने मतलब टोटल जो अमाउंट इकट्ठी की थी वो थी 4,30,000 रुपए। तो अर्जुन, आपने अपनी 102 ट्रॉफीज बेचकर 4,30,000 रुपए पीएम फंड में जमा किए, उसके बाद मोदी जी ने खुद इस पर रिएक्शन दिया, तो कैसा लगा आपको? हाँ जी, ये जो मैंने सारी अमाउंट इकट्ठी की थी वो मैंने पीएमएनआरएफ में डोनेट कर दी। ये जो डोनेशन थी मैंने 7th को की थी, तो पीएम मोदी ने जो मेरा जो ट्वीट था उसको अप्रिशिएट करके कुछ शब्द चंद शब्द लिखे मेरे लिए, एंड आई वाज ऑस्ट्रक टू सी दैट ट्वीट। मतलब उन्होंने मेरे रीट्वीट किया और इतने अच्छे कुछ शब्द लिखे, एंड दैट ट्वीट इंस्पायर्ड मी टू डू वेल, टू डू बेटर फॉर दी ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के लिए और अच्छी चीजें करने के लिए इंस्पायर किया। क्या बात है। वेल, हमारे लिसनर्स के लिए, पूरे इंडिया के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? तो मेरी सबको बस एक रिक्वेस्ट और अपील यही होगी कि प्लीज अपने घरों में रहिए। हमें जो डॉक्टर्स गाइडलाइंस दे रहे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज गाइडलाइंस दे रही है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन का कंप्लीट का ये मतलब होता है कि आपको अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है और अपने घर में रहना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बात नहीं मान रहे, तो मेरी उनको स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने घरों में रहिए, क्योंकि बाहर जाके आप अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क पे डाल रहे हैं। और जो भी आपको काम करने अपने घर से रह के कीजिए, और जो भी टाइम है इसको सेल्फ मतलब यूटिलाइज कीजिए और अपने अपने लिए यूटिलाइज कीजिए और अपनों के लिए यूटिलाइज कीजिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच अर्जुन हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत सी ट्रॉफीज आप जीते, देश का नाम रोशन करें, ऐसा हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। सुनते जाएं एफएम बोले तो रेडियो सिटी। जय हिंद।